देखिए भाव आपका स्वागत है। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी गुरु पूर्णिमा व सावन महीने की संक्रांति के उपलक्ष्य पर 51 किलो चावल की खिचड़ी व 51 किलो देसी घी का हलवा ज्वाला माँ के सभी भक्तों में बांटा गया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी गुरु पूर्णिमा व सावन महीने की संक्रांति के उपलक्ष्य पर 51 किलो चावल की खिचड़ी व 51 किलो देसी घी का हलवा ज्वाला माँ के सभी भक्तों में बांटा गया। आज सुबह से ही बारिश की छमछम लगी हुई है और ज्वालामुखी का मौसम सुहावना बना हुआ है। बाहरी राज्यों से आए श्रद्धालु मौसम का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इस संदर्भ में पुजारी गौरव व अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी को बधाई हो, आज का दिन अपने अपने गुरु पूजन के निमित्त लगा देना चाहिए। ये साल का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस पर्व के अवसर पर पुजारी सभा ज्वालामुखी ने मंदिर प्रांगण में 51 किलो देसी घी का हलवा और 51 किलो घी से बनी खिचड़ी ज्वाला माँ को भोग लगाकर सभी भक्तों में बांटा और महामाई से प्रार्थना की कि हमारी हिंदू समुदाय परंपराओं को ऐसे ही बनाए रखे और जो भी भक्त ज्वाला माँ के दरबार में पहुँच रहे हैं, महामाई अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय माता की। सभी भक्तों को आज गुरु पुण्य के पर्व की बहुत बहुत बधाई। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अखंड मंडलाकारं गुरु चरण कमलोभ्य नमः। अर्थात आज का दिन हमें अपने गुरु पूजन के निमित्त लगाना चाहिए। ये साल का सबसे बड़ा पर्व होता है और इसी पर्व के उपलक्ष्य में आज पुजारी सभा ने मंदिर श्री ज्वाला जी के प्रांगण में 51 किलो देसी घी से युक्त बनी हुई खिचड़ी और 51 किलो देसी घी से बना हुआ हलवा महामाई को भोग लगाकर भक्तों में बांटा और महामाई से प्रार्थना करी कि महामाई हमारी इस हिंदू परंपराओं को ऐसे ही बनाए रखे और जो भी भक्त महामाई ज्वाला जी के मंदिर में आज पहुंच रहे हैं, महामाई उन सब भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और इस पावन त्यौहार में हमारे गुरु शिष्य की परंपरा का जो है हमारा संस्कृति पर बना हुआ ऐसा ही चलता रहे। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल गुरुदेव महाराज की जय, बोल ज्वाला माई की जय। इस अवसर पर उनके साथ पुजारी संदीप शर्मा, छोटे लाल, सौरभ शर्मा, सुदामा, टिंकू, अविनेन्द्र शर्मा आदि सहित अन्य लोग भी शामिल रहे।